My name is Aisha Khan. I'm going to teach you about the psychological testing. Source of information are reference book, library kettle, log in internet sites. Reference book जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे उनके रेफरेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं. टॉपिक्स ऑफ स्टडी हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, मयरिंग इंटेलिजेंस, कंपोजिशन ऑफ इंटेलिजेंस, हाउ टू असेस पर्सनैलिटी, अदर टेस्टिंग एरियाज, टेस्टिंग कंसर्न क्या है, मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, सैम्पलिंग बायसेस, साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजीज, स्टैटिस्टिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ गुड टेस्ट शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज. Should be objective, should based on objective, comprehensive होना चाहिए, valid होना चाहिए, reliable होना चाहिए, practically apply हो, comparability होनी चाहिए and utility होनी चाहिए. Objectivity किसको कहते हैं? Objectivity यानी कि free from biases होना चाहिए, personal biases से, personal issues से एक test जो है वो free होना चाहिए, उसकी scoring जो है वो free होनी चाहिए. For example, अगर examiner का issue है student के साथ और वो marking कर रहा होता है और marking के दौरान उसको वो issue याद आ जाता है और वो marking जो bias होकर करता है तो वो फिर test objective ना हुआ. इनके free from biases होना चाहिए. Objectivity of a test can be increased by using more objective type test items. हमें objective type test item रखने चाहिए. For example, MCQs, true false, filling the blanks. Objective type test वो होते हैं जिसमें open ended questions ना हो, close ended question हो, आपका अपना opinion ना हो उसमें. And the answers are scored according to model answers provided और instructions के मुताबिक उस test की scoring होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड हो, द टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स. जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले से सेट हो और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आपका टेस्ट बनाया गया हो. फॉर एग्जांपल, अगर टेस्ट में है कि आपने टेस्ट इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, टेस्ट के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि इस ऑब्जेक्टिव में इंटेलिजेंस को मेजर किया जा रहा है टेस्ट में, तो आपने जो टेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस बनाना है, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन उसमें रखना है. द टेस्ट सेटर शुड हैव डेफिनेट आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ईच आइटम. हर आइटम के बिहाइंड क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्यों ये आइटम डाल रहा है, क्या पर्पस है, कैसे वो आइटम बनाए, कैसे वो आइटम कंस्ट्रक्ट करे, वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन होना चाहिए. कॉम्प्रिहेंसिव, द टेस्ट शुड कवर द होल सिलेबस. पूरा सिलेबस कवर करे. ड्यू इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन All the relevant learning materials, हर material को important हासिल हो. यही ना हो कि first two chapters are very important and बाकी जो important ना हो. Test should be cover all the anticipated objectives. और जो objective आपने रखी हैं कि इन objective के मुताबिक जो मेरा test बनेगा, ये objectives हैं मेरे test के, तो आपका जो है वो test भी उन्हीं objectives को cover कर रहा हो. वो comprehensive हो, detailed हो, हर चीज़ को measure कर रहा हो. Validity, a test said to be valid if it is measured when it intends to measure. आपका टेस्ट वैलिड तब होता है कि वो वही चीज़ मैयर करना चाह रहे हैं जिसकी वो क्लेम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेस्ट मैयर टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, और वो टेस्ट अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टेस्ट है वो इंटेलिजेंस को ही मैयर कर रहा है और उसमें जो क्वेश्चन है वो इंटेलिजेंस के ही होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए. उसमें जो मटीरियल है वो इंटेलिजेंस को ही मैयर करे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी. वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं. ऑपरेशनल वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कॉन्टेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. ऑपरेशनल वैलिडिटी किसको कहते हैं? ऑपरेशनल वैलिडिटी का ये मतलब है कि आपका जो टेस्ट है वो उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है जिसको आपने थियोरेटिकली प्रिडिक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल, आप चाह रहे हो, आप इंटेलिजेंस को मेजर करना चाह रहे हो, पर्सनैलिटी को मेजर करना चाह रहे हो, आपका वो जो टेस्ट है उसमें जो मटीरियल है वो रिलेटेड टू उस ऑपरेशन से रिलेटेड होना चाहिए, उस मेजर से रिलेटेड होना चाहिए, उस कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड होना चाहिए. प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, अ टेस्ट हैज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इफ स्कोर्स और ऑन इट प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस. उसकी बेसिस पे आप जो है ना वो प्रिडिक्शन कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, अब आपने एक हाइपोथेसिस बना दिया
कि वो लोग जिनमें एग्ज़ाम एनजाइटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो वर्स्ट होती है। अब आपने प्रिडिक्शन दे दी, प्रिडिक्शन उस कोर्स जो स्कोर साहब से पता लग गया कि वाकई में आपका ये हाइपोथेसिस अब प्रूफ हो गया, तो उसके बेस पे आपने प्रिडिक्शन दे दी कि जितनी कम एग्ज़ाम एनजाइटी होगी उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी, और जितनी ज़्यादा एग्ज़ाम एनजाइटी होगी उतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस होगी। कॉन्टेंट वैलिडिटी, इफ़ द आइटम्स इन द टेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द टेस्ट कोर्स कॉन्टेंट टू बी टेस्टेड, द टेस्ट कैन बी सेट टू हैव कॉन्टेंट वैलिडिटी। वो जो कॉन्टेंट है टेस्ट का वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जिसको आप क्लेम कर रहे हो। मैं अगेन वही बात कहूँ कि वैलिडिटी होती है जो चीज़ आप मेजर करना चाह रहे हो, आपका टेस्ट वही चीज़ वो मेजर कर रहा हो। अपने जो कॉन्टेंट है, अगर आप पर्सनैलिटी को मेजर कर रहे हो और आप जो है उसमें पर्सनैलिटी में एप्टीट्यूड के जो है ना वो कॉन्टेंट डाल देते हो, या आप इंटेलिजेंस का टेस्ट जो है ये इंटेलिजेंस को मेजर करना चाह रहे हो और उसमें आप जो है ना वो बाकी फील्ड्स के जो क्वेश्चन डाल दो, तो वो इनवैलिड होगा। मैं एक और एग्जांपल इसे देना चाहूँगी कि आप देखना चाह रहे हो कि बच्चे की वोकैबुलरी कैसी है, बच्चे बच्चे की इंग्लिश में इंग्लिश स्किल कितनी है, तो आपने वो जो टेस्ट बनाया है वो रिलेटेड टू इंग्लिश होना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स हो, या फिर आप उसको उर्दू के क्वेश्चन दे दो, क्योंकि फिर वो वैलिड ना हुआ, क्योंकि आप देखना चाह रहे हो कि उसकी इंग्लिश में परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन कैसी है, उसका एप्टीट्यूड लेवल कैसा है, और आप उसमें मैथ के क्वेश्चन डाल दो तो वो फिर वैलिड ना हुआ। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है ट्रीट, आपका जो टेस्ट है वो उसी ट्रेट को मेजर कर रहा हो। अगर आपने इंटेलिजेंस को मेजर करना है, आप कंटेंट भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड बनाओगे और जो आपका जो कंटेंट है वो उसी कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लीडरशिप को आप मेजर करना चाह रहे हो, लीडरशिप इटसेल्फ अ कंस्ट्रक्ट, तो जो आपका जो टेस्ट है उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो लीडरशिप से रिलेटेड होने चाहिए, तो तभी आपका टेस्ट जो है ना उसी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अच्छी होगी, उसकी कंटेंट वैलिडिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच इट मेजर्स व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर। अब वैलिडिटी के लिए सेकेंड वर्ड जो यूज होता है वो एक्यूरेसी है, एंड रिलायबिलिटी के लिए जो सेकेंड वर्ड यूज होता है वो कंसिस्टेंसी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक टेस्ट अप्लाई करते हो, उसकी जो स्कोरिंग आती है, अगर आप नेक्स्ट टाइम भी वो टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो वो वही चीज़ मेजर करो, उसी तरह की स्कोरिंग है तो वो रिलायबल है। अ टेस्ट मे बी रिलायबल बट नीड टू बी वैलिड बट नीड नॉट टू बी वैलिड। उसको रिलायबल होना जरूरी है, उसका वैलिड होना इतना जरूरी नहीं है। दिस इज बिकॉज इट मे यील्ड कंसिस्टेंट स्कोर्स बट दिस स्कोर्स नीड नॉट टू बी रिप्रेजेंटेटिव व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू मेजर। अगर आपने एक टेस्ट बनाया है लीडरशिप के मुताबिक, या आप कोई भी ट्रेड जो है ना वो मेजर करना चाह रहे हो, नॉट जो है ना वो लीडरशिप या कुछ भी मेजर करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हो कि साइंस के कोई भी कॉन्सेप्ट को आप मेजर करना चाह रहे हो, अपने बच्चों पे सबसे पहले वो अप्लाई किया, कुछ अर्से बाद दोबारा वो अप्लाई किया और फिर दोनों की स्कोरिंग को मैच किया कि वाकई में बच्चों की वही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो फिर रिलायबिलिटी उस टेस्ट की अच्छी है। A test with high validity has to reliable also, जिसकी ज़्यादा validity होती है वो reliable भी होता है, the score will be consistent in both cases. Valid test is also reliable test, but a reliable test may not be a valid one. ज़रूरी नहीं कि जो reliable है कि आप एक बार अप्लाई करते हो दोबारा अप्लाई करते हो सेम स्कोर आ गए तो वैलिड भी हो कि वो उसी चीज़ को मेयर कर रहा है, नॉट, ये ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट मैथड फॉर डिटर्मिनिंग रिलायबिलिटी आर टेस्ट रीटेस्ट मैथड। टेस्ट रीटेस्ट मेथड क्या है कि अ टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू अ सेम ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है लेकिन आपने उनको टेस्ट एडमिनिस्टर किया लेकिन टू टाइम। फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट लिया जनवरी में और फिर शॉर्ट इंटरवल या शॉर्ट गैप के बाद आपने वही टेस्ट लिया मार्च में और आपने कंपेरिजन किया और जो है ना स्कोरिंग सेम आ रही है। फॉर एग्जांपल पहले भी बच्चों ने 50 आउट ऑफ 40 45 मार्क्स लिए, अब भी 50 आउट ऑफ 40 45 मार्क्स लिए हैं, तो वो टेस्ट जो है उसकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है। और ये है कि रिलायबिलिटी का ज़्यादा लिंक हमें किस तरह पता चलता है, कोरिलेशन का। कोरिलेशन क्या है कि आपके पास जो दो कंस्ट्रक्ट उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर पहला टेस्ट
और दूसरा टेस्ट दोनों स्ट्रांगली कोरिलेट करे तो इसका मतलब है कि टेस्ट रिजल्ट्स जो है बहुत ही अच्छी है. स्प्लिट हाफ मेथड, द स्कोर्स ऑफ ऑड एंड इवन आइटम्स आर टेकन एंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ स्कोर्स डिटरमाइन. अब स्प्लिट हाफ से मतलब आपको पता चल गया आपने एक टेस्ट बनाया उनको दो हाफ में डिवाइड कर दी. अब इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप उसकी डिवीजन कैसे करते हो. आप इस तरह कर सकते हो कि पहले 1, 3, 7, 5, 9, 11 वाले यानी कि ऑड आइटम रख लो, बाद में उसको 2, 4, 6, 8 इवन आइटम प्रेजेंट करो, फिर बाद में कंपैरिजन करो, कोरिलेट करो, कहो कि दोनों आपस में स्ट्रांगली कोरिलेट करें हैं तो वो स्प्लिट हाफ मेथड, उसकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी अच्छी है. या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने 50 आइटम्स वाला टेस्ट बनाया, 25 आइटम्स पहले बच्चे पे अप्लाई किया और थोड़ी ही देर बाद दूसरा जो टेस्ट जो आपने दूसरा बनाया है वो आप अप्लाई कर लो, तो जो स्प्लिट हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी है अगर वो अच्छी है, दोनों जो टेस्ट है वो आपस में हाईली कोरिलेट करें, जिसका मतलब है कि रिलायबिलिटी अच्छी है. पैरेलल फॉर्म मेथड, रिलायबिलिटी इज डिटरमाइंड यूजिंग टू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द सेम टेस्ट कंटेंट. अब पैरेलल फॉर्म मेथड क्या है, आपने क्या किया, आपने टेस्ट आपने कंटेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने फोर्थ क्लास की साइंस की बुक ले ली. अब उस साइंस की बुक में आपने क्या किया कि आपने एक बार उसके ट्रू फॉल्स वाले आइटम्स वाला टेस्ट बना दिए और सेकेंड क्या किया आपने एमसीक्यूज वाले उस पूरी बुक के एमसीक्यूज वाले फॉर्म में क्वेश्चंस बना दिए. पहले आपने जो है ना वो ट्रू फॉल्स वाला फॉर्म अप्लाई किया बच्चों पे और बच्चों की स्कोरिंग कर ली, और सेकेंड टाइम आपने एमसीक्यूज वाले जो है ना वो फॉर्म अप्लाई किया उसकी स्कोरिंग कर दी, और फिर दोनों को कंपेयर किया कि बच्चे के जो ट्रू फॉल्स वाले आइटम्स हैं जिन फॉर्म वाले जो टेस्ट है, फॉर एग्जांपल वो 50 आइटम्स वाला टेस्ट था, 50 out of 40 बच्चों के आ रहे हैं, और इसी तरह आपने एमसीक्यूज वाले जो टेस्ट बनाया उसमें भी 50 आइटम्स रखने हैं क्योंकि आइटम दोनों में इक्वल होने चाहिए और कॉन्टेंट भी सेम होना चाहिए. तो 50 आउट ऑफ बच्चों ने तभी 40 या 45 स्कोर्स लिए मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी है. द टेस्ट फॉर्म शुड बी आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स ऑफ आइटम्स. वही बात है कि अगर आपने ट्रू फॉल्स का पहले बनाया और एमसीक्यूज का सेकेंड बनाया तो ट्रू फॉल्स में भी 50 आइटम्स हैं तो एमसीक्यूज में भी 50 आइटम्स होने चाहिए. कॉन्टेंट अगर आपने फोर्थ क्लास की साइंस की बुक से ट्रू फॉल्स बनाए तो फोर्थ क्लास की साइंस की बुक से ही एमसीक्यूज का बनाया. डिफ़िकल्टी लेवल आपने ऐसे रखे कि पहले कुछ आसान क्वेश्चन दिए, बाद में थोड़े से मुश्किल और फिर बहुत मुश्किल, तो ट्रू फॉल्स में जो पैटर्न रखा है डिफ़िकल्टी का वही आपने एमसीक्यूज में भी अप्लाई करना है. डिटर्मिनिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप इन टू टेस्ट. आपके दोनों के स्कोर्स को आपस में कोरिलेट करोगे, अगर कोरिलेशन अच्छी है तो रिलायबिलिटी अच्छी है. टेस्ट की जो है वो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होनी चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेट कर सके कि अपर एंड लोअर ग्रुप्स को. फॉर एग्जांपल आप एक टेस्ट लेते हो, बच्चों पे अप्लाई करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा उस टेस्ट पे अच्छे मार्क्स दे. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत गंदी परफॉर्मेंस शो की हुई होती है, बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस शो की होती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, और कुछ जो होते हैं बिल्कुल मिडिल में जो है ना वो स्टैंड कर रहे होते हैं. सो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ये कि वो टेस्ट बता रहे हो कि हाई स्कोर्स वाले के कहाँ लाए करे हैं, 70 से अबव वाले हाई स्कोर्स हैं, 50 से बिलो वाले जो है वो लोअर स्कोर्स हैं, और 50 to 70 वाले जो मिडिल में, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि अपर या हायर अचीवर्स कौन से हैं, लो अचीवर्स कौन से हैं. द टेस्ट शुड कंटेन डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस. उसमें आपने ये नहीं कहना कि आपने एक टेस्ट बनाया तो सारे के सारे मुश्किल आइटम्स डाल दिए या सारे के सारे आसान आइटम्स डाल दिए. आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 60 आइटम्स का एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसमें 20 आइटम्स आपने डिफिकल्ट डाले, हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाले डाल दें, 20 आपने मिडिल लेवल ऑफ डिफिकल्टी डाल दें, और 20 आपने ऐसे डालने हैं कि जो बहुत इजी हो और बच्चे उसको फौरन कर सके. तो इसके बाद आपने ना क्या करना है कि आप स्कोरिंग करोगे, और स्कोरिंग से आप कहोगे कि जो 60 आइटम में जो है ना ऐसे कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 50 से अबव मार्क्स आए तो वो हाई अचीवर्स है, सब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 20 से लो मार्क्स आए तो वो लो अचीवर्स होंगे, और जो 20 से 50 तक है वो आप उनको मिडिल कह दो कि मिडिल अचीवर्स हैं, ये एवरेज. प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई हो रहा है, उसकी प्रैक्टिकबिलिटी कितनी है, ये डिपेंड कर रहा है कि
एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे की गई है, उसकी स्कोरिंग कैसे की गई है, इंटरप्रिटेशन कैसे की गई है, जैसे कि उसकी इकोनॉमी कैसी है, कितना वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है. फॉर एग्जांपल आप जैसे एनटीएस के टेस्ट हैं, उनकी प्रैक्टिकेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वो अप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेसिस पे एडमिशन हो रहे होते हैं. इसी तरह आप एग्जाम्स के टेस्ट ले लो, उनकी जो उनकी प्रैक्टिकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे होते हैं, उनकी स्कोरिंग अच्छी की जाती है. लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप दूसरे टेस्ट वगैरह ले लो तो उनकी प्रैक्टिकल अपीयरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती. कंपेरेबिलिटी, A test possesses comparability when scores resulting from its use can be interpreted in terms of common base that has a natural or accepted meaning. There are two methods for establishing comparability: availability of equivalent form of test and availability of educate norms. आप comparison कर रहे हो कि true false वाले test ज़्यादा अच्छे होते हैं कि MCQs वाले test ज़्यादा अच्छे होते हैं. कंपैरिजन करो कि आपने दो तरह के टेस्ट बना दिए, ट्रू फॉल्स के भी और एमसीक्यूज के. आप कंपैरिजन करो कि ट्रू फॉल्स वाले जो आइटम्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल फॉर्म ऑफ टेस्ट है या जो एमसीक्यूज है वो ज़्यादा रिलायबल फॉर्म ऑफ टेस्ट है. तो टेस्ट दोनों का कंपैरिजन भी करो. एंड यूटिलिटी क्या है, यूटिलाइज किस तरह कर सकते हैं. अ टेस्ट हैज यूटिलिटी इफ इट प्रोवाइड्स द टेस्ट कंडीशन दैट वुड फैसिलिटेट रियलाइजेशन ऑफ द पर्पस फॉर व्हिच इट इज नीड. वो उस पर्पस को जो है वो रियलाइज कर रहा हो, उसकी कोई फ्यूचर जो है रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए, फ्यूचर जो है वो उसके लिए भी अप्लाई किया जा सके. तो टेस्ट की यूटिलाइजेशन पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए. नीचे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड की हुई है, इन केस अगर आपको नहीं समझ आती तो आप इस लिंक पर जाके फर्दर स्टडी कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है. द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू अडॉप्ट टू एंड टू लर्न फ्रॉम लाइफ एवरीडे एक्सपीरियंसेस. इंटेलिजेंस क्या है कि आपकी जो एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, अडेप्टेशन की और लर्निंग की वो अच्छी होनी चाहिए, तो वो है इंटेलिजेंस. Ability to solve problems, the capacity to adapt and learn from experiences include characteristics such as creativity, interpersonal skills होना चाहिए, the mental abilities that enable one to adapt to, shape or select one environment, the ability to judge, comprehend and reasoning, ये सारी आपकी intelligence है. The ability to understand and deal with people, objects and symbols, the ability to act purposefully, think rationally and deal effectively with the environment. इन सबको इंटेलिजेंस कहा जाता है कि किस तरह आप अपनी इन्वायरमेंट में एक्ट कर रहे हो, आपकी रैशनल थिंकिंग है यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, आप अपने इन्वायरमेंट अपने सराउंडिंग में कैसे डीलिंग कर रहे हो, आप कैसे शेप कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट में, अपनी कितनी क्रिएटिविटी कितनी है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं. दीज आर नोन एज इंटेलिजेंस. मयरिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कैसे मयर किया जाता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि हम इंटेलिजेंस को मयर कैसे करते हैं. टर्मन ने इंटेलिजेंस के लिए फॉर्मूला दिया जिसको इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोला जाता है. इंटेलिजेंस क्वेश्चन का मतलब है मेजर ऑफ इंटेलिजेंस दैट टेक इनटू अकाउंट अ चाइल्ड्स मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि उसकी फिजिकल एज कैसी है और उसकी मेंटल एज कैसी है. मेंटल एज को आप इस तरह ले सकते हो कि अभी वो बच्चा कौन सी क्लास में है, एंड क्रोनोलॉजिकल एज आप ऐसे ले सकते हो कि उस बच्चे की ओवरऑल एज क्या है. और इन दोनों को आप आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो जो स्कोर आता है वो उसकी इंटेलिजेंस लेवल को प्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है. नेक्स्ट है पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी क्या है. सम ऑफ करेक्टरिस्टिक यूनिक कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन का मतलब है समराइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट्स एंड ट्रेड्स. आप एक बंदे में जितनी भी क्वालिटीज हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं, ये सम आप ओके उसकी पर्सनैलिटी बनाते हैं. ट्रेट
अकॉर्डिंग टू गुल फॉर फेट क्या है? फेट वो है जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंट डिफरेंस क्रिएट कर रहा होता है, और वो ट्रेट हर इंडिविजुअल में वेरी कर रहा होता है। तो ट्रेट क्या है? कोई क्वालिटी, कोई सिफ्ट। तो सम ऑफ द ट्रेट्स इज नोन एज पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। सब्जेक्टिव मेथड्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, कुछ प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं, कुछ साइकोएनालिटिकल मेथड्स हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट मेथड है और फिजियोलॉजिकल मेथड्स हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव मेथड्स वो हैं जिसमें आप इंडिविजुअल को ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करोगे, उसकी ऑब्जर्वेशन ऐसे करोगे कि जहाँ पे वो जो है ना वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट थ्रू क्वेश्चन करते हो कि आप कुछ क्वेश्चन बना के उसकी पर्सनैलिटी को असेस करो, तो आपने वो क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं कि वो ओपन एंडेड हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो डिफाइन योर वन क्वालिटी, अब ये ओपन एंडेड है, वो अपनी क्वालिटी को कैसे भी बयान करता है। सब्जेक्टिव मेथड क्या है कि वहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव मेथड आर दोज इन विच द इंडिविजुअल इज परमिटेड टू डिस्क्लोज व्हाट ही नोज अबाउट हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ वो अपने बारे में खुल के बता सके, ठीक है, जहाँ वो ओपिनियन दे सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। They are based on what the subject himself has to say about his traits, attitudes, personal experiences, aims, needs and interests. ये ऐसे मेथड होते हैं जिसमें सब्जेक्ट अपने ट्रेट्स के बारे में बताता है, अपने एटीट्यूड्स, अपने ओपिनियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर सकें। इसमें जिसके लिए पहला मेथड है वो केस स्टडी है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, थ्रू इंटरव्यूज आप जान सकते हो इन टू क्वेश्चन या मेथड्स। लेकिन इसमें ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिसमें वो अपनी ओपिनियन जो है ना वो शेयर करेगा। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव मेथड। अब ऑब्जेक्टिव मेथड में वो मेथड होते हैं जो क्लोज एंडेड होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट अपनी ओपिनियन एंड फीलिंग शेयर नहीं कर सकता, वो रिस्ट्रक्चर्ड होता है। ऑब्जेक्टिव मेथड में अगर आप क्वेश्चनर्स अप्लाई करते हो तो वो क्वेश्चन जो है वो प्री डिटरमिन्ड लिस्ट पे जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया हो। द ऑब्जेक्टिव मेथड नॉट डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट्स ओन स्टेटमेंट अबाउट हिमसेल्फ बट ऑन हिज ओवरट बिहेवियर एज रिवील्ड टू अदर्स हु सर्व्स एज ऑब्जर्वर्स, एग्जामिनर्स एंड जज। आपको जो देखकर पता लग रहा है आप वही कर रहे हो, आप पूछ नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनर्स भी सॉल्व किए होंगे जो लोगों ने आपको प्रोवाइड किए, जिसमें लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, आगे रेटिंग की होती है, टोटली एग्री, नॉट एग्री, डिसएग्री। अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव मेथड आपने लिमिटाइज कर दिए, आपने उसे ये नहीं कहा कि अपना अपना ओपिनियन बताए, बल्कि आपने लिमिटाइज किया कि एग्री है तो एग्री है, नहीं है तो नहीं। आपने उसे पूछा नहीं कि आप एग्री क्यों है और डिसएग्री क्यों है, डिसएग्री क्यों नहीं है। तो रेटिंग स्केल्स ऐसे होते हैं जिसमें आप स्केल्स में आप बता रहे होते हो कि एग्री, स्ट्रांगली एग्री, नॉट एग्री, या न्यूट्रल है, ओपन होता है, ऐसे क्वेश्चन इसमें इस तरह के ऑप्शन बताए किए होते हैं, तो उनको रेटिंग स्केल्स बोल जाते हैं। और यही होते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स। प्रोजेक्टिव मेथड्स, इन दिस मेथड आर टेक्निक्स द एग्जामिनर डज नॉट ऑब्जर्व द ओवर बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट, सिर्फ जो ऊपर से नजर आ रहा है जो मिनिएचर है वो नहीं देख रहा, बल्कि वो देखना चाहिए कि उसकी अपनी इनर फीलिंग्स कैसे हैं, उसका अपना बिहेवियर कैसा है, उसका ओपिनियन कैसा है। इंस्टेड द सब्जेक्ट इज रिक्वेस्टेड टू बिहेव इन एन इमेजिनेटिव वे, कि जबकि वो उस तरीके से बिहेव करें। प्रोजेक्ट में तो ऐसे हो सकते हैं कि आप कह दो कि अपने कैरेक्टर के बारे में एक स्टोरी लिखें। ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, रोशा की इंक ब्लॉक टेक्निक है जिसमें उसने ऐसे बहुत सारे कार्ड्स बनाए हुए हैं जिसमें बटरफ्लाई शेप की जो है ना पिक्चर्स हैं, आपको बताते हैं कि आप इस पिक्चर से क्या ले रहे हो, उस पर एक स्टोरी बनाते हैं। रोशा इन ब्लॉक एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, उसने 10 इन ब्लॉक डिजाइन में बटरफ्लाई के डिजाइन में कार्ड्स बनाए। 5 ऑफ दीज कार्ड जो है वो ब्लैक एंड वाइट में थे, 2 जो है ना वो रेड में थे, एंड 3 इन अदर कलर्स। द टेस्ट इज यूजली एडमिनिस्टर इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किया जाता है। When the card is shown or placed before the client, he is asked to tell what he sees in the ink block. उसको दिखाया जाता है कि वो क्या देख रहे हैं उस ink block में, और what this means to him, और what this might be. मैं आपको ये कार्ड दिखा सकती हूँ।
रोशन के इन ब्लॉक टेस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे पिक्चर्स होती हैं, और ये इसके कार्ड्स हैं, 10 कार्ड्स हैं। ऐसे कार्ड्स हैं, ये जो पहले 5 हैं वो ब्लैक एंड ग्रे में हैं, कुछ जो है वो रेड एंड ब्लू में कलर्ड हैं, ठीक है। तो ऐसे 10 कार्ड्स हैं। अब ये कार्ड दिखाया जाता है, क्लाइंट को कहा जाता है कि आप इसमें क्या देख रहे हो, आपको क्या समझ आ रही है इस कार्ड से। अब क्लाइंट जो आपको बता देता है कि मुझे ये समझ आ रही है, आप कहते हो कि इसको ऑब्जर्व करो, जो आपको समझ आ रही है, जो आप देख पा रहे हो, आप या तो उसको बयान करो या फिर आप इसको लिख कर दिखा दो। सेकेंड थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ये मूरे एंड मॉर्गन ने दिया था 1935। इसमें भी 20 पिक्चर्स हैं। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट की पिक्चर्स में अभी आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे। एपरसेप्शन के कार्ड्स ऐसे कार्ड्स बने हुए जिसमें एक स्टोरी होती है, ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें स्टोरीज बनी हुई हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, 20 कार्ड्स हैं। अब क्लाइंट को कहा जाता है कि आप इस कार्ड को देखो और आप क्या देख रहे हो, इस कार्ड को देखकर एक स्टोरी बनाओ। अब वो स्टोरी बताता है कि ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है और सामने उसके इस तरह गिटार पड़ा हुआ है या और उसको बजाना चाहता है और उसके दिल कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं कैसे बजाऊं। तो ये पिक्चर है। अब फॉर एग्जांपल या रिलेटेड टू कोई भी स्टोरी बनाएगा तो आप उसको रिलेट करोगे कि जो उसकी अपनी इनर जो फीलिंग्स है वो इसमें अप्लाई कर रहा है, जो उसका दिल है वो इसमें अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे आप ये वाली पिक्चर्स देख सकते हो, ये वाला कार्ड देख सकते हो। अब जो इसको बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत तरीके से हो सकती है। एक इंटरप्रिटेशन ये कि लड़की रो रही है, एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि वो बहुत उदास है या बहुत थकी हुई है या वो सो गई है, वो डिपेंड करे। अगर यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ लोग लिखेंगे कि जो है ना वो ये उदास है, वो रो रही है, उसका मतलब है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की स्टोरी इंटरप्रिट की है तो कहीं ना कहीं अभी उनके लाइफ में वो डिप्रेशन वाला फेस चल रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप उस स्टोरी को किस तरह इंटरप्रिट करते हो। 20 cards are the person is asked to tell the story that each one suggests to him. These pictures are arranged in appropriate groups of male and female adults and for children. इसमें है कि कुछ आप सिर्फ मेल पे अप्लाई कर सकते हो, कुछ कार्ड सिर्फ फीमेल्स के लिए, कुछ मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए, कुछ चिल्ड्रन के लिए भी है। वन ऑन ईच कार्ड द सब्जेक्ट टेल्स द स्टोरी बाय आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप टू ईच अदर डिस्क्राइबिंग व्हाट preceded the situation shown in the picture and stating an outcome. कि इसका क्या हाल हो सकता है, इस तरह आप उससे पूरी स्टोरी निकाल। Second है children perception test. This test was constructed by Black in 1948 में इसने बनाया था। It is used to assess the personality of children को children की personality को assess करने के लिए बनाया गया from age 12 अप टू 12 के जितने बच्चे होते हैं उनको इसी तरह की पिक्चर्स दिखाई जाती है, उनको कहा जाता है कि इस पर एक स्टोरी डेवलप करें। यंग चिल्ड्रन आर वेरी मच इंटरेस्टिंग इन लिसनिंग टू स्टोरीज अबाउट एनिमल्स एंड प्लेइंग विद एनिमल्स। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट साइकोलॉजिस्ट एस्टैब्लिश रैपिड विद द चीफ सो एज टू विन हिज कोऑपरेशन। कैट जिसको चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट बोला था, ब्रिंग टू लाइफ द चिल्ड्रन रिप्रेस्ड डिजायर्स। अक्सर बच्चे ऐसी स्टोरी बना लेते हैं जो रिलेटेड टू उनकी अपनी जिंदगी से होती है। आप उसको ऐसे ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ऐसे ही बताएंगे स्टोरी जो इनकी ज़िंदगी से रिलेट कर रही होती है। बच्चे क्या बड़े भी जो यंग वन होते हैं वो भी इसी तरह की स्टोरी बताते हैं या ऐसे रिलेशनशिप बता रहे होते हैं जो उनकी ज़िंदगी से मिल रहे होते हैं। अगला मेथड है द साइको एनालिटिक मेथड। दिस मेथड वर्स्ट डिवेलप बाय सिगमंड फ्रॉयड द फादर ऑफ स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। Two types of tests in the psychoanalytical method of investigation of personality are very popular. इसमें free association test and free analysis method है। Free association test में क्या है कि आप जो है एक word of list बना लेते हो, वो word of list ऐसे कि आपने एक list बनाई, इसमें सिर्फ words रहेगी blank, tree blank, home blank,
ब्लैंक मतलब छोड़ो, क्या के मदर ब्लैंक फादर ब्लैंक, हर वर्ड के आगे आगे जो है ना ब्लैंक छोड़ दो। अब अपने क्लाइंट से पूछते रहोगे कि पहला वर्ड जो भी उसके जहन में आ रहा है वो बताए। फॉर एग्जाम्पल थ्री के बाद अगर वो कह रहा है ग्रीनरी तो आप लिख लोगे, फादर के बारे में एग्रेसिव तो आप लिख लोगे, मदर के बारे में लविंग आप लिख लोगे। इस पर आपको पता चल रहा है कि फादर के बारे में अगर उसने एग्रेसिव कहा तो फादर है तो वाकई एग्रेसिव है या उस पर एग्रेसिव होते हैं, कहीं यहाँ पे कहीं जो है ना वो एबनॉर्मेलिटी है। ये यहीं से एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट हो रही है, ज़्यादातर पेशेंट पे इसी तरह अप्लाई की जाता है। ड्रीम एनालिसिस मेथड ऐसा होता है कि आप कहते हो कि आप वहाँ पे ख्वाब की तबीर करते हो पेशेंट की। फ्रॉइड इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था कि जो जो ड्रीम में जो जो है ना जो कंटेंट होता है वो जो सिंबल्स होते हैं वो उसको इंटरप्रेट करता है, तो वो कहता है तो उसका ये मतलब है कि बारिश देखता है तो उसका ये मतलब होगा, अगर ब्लड देख लें तो उसका ये मतलब होगा, अगर ग्रीनरी देख लें तो उसको ये मतलब होगा। वो कहता था कि ये बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग रिवील करती है जो सब्जेक्ट है उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी डिजायर्स को, उसकी थिंकिंग पैटर्न को। फिजिकल टेस्ट मैथड्स और फिजियोलॉजिकल मैथड्स, इन फिजियोलॉजिकल मेथड्स सबसे पहले जो है वो हीमोग्राफ है जो मयरिंग कर रहा होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, ये फिजिकल टेस्ट है। फ्लीथिस्मोग्राफी में क्या है कि ये मयरिंग कर रहा होता है इंडिविजुअल के ब्लड प्रेशर को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट की एक्टिविटी को मयर कर रहा होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ब्रेन की एक्टिविटी को जो है वो मयर कर रहा होता है, ग्राफोलॉजी इंडिविजुअल की स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग को एसेस कर रहा होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम जो मस्कुलर एक्टिविटी को मेयर कर रहा होता है। मैंने साथ ही साथ आपको लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं फॉर फर्दर स्टडी, आप इनको क्लिक करें और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट में एक बार फिर फ्लो चार्ट के जरिए बताना चाहूँगी कि सब्जेक्टिव मैथड में कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव मैथड में कौन कौन से हैं। सब्जेक्टिव मैथड में वो जिसमें वो अपनी फीलिंग्स या ओपिनियन बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव मैथड में आप मेमोराइज कर लेते हो, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आप उन्हें कहते हो कि कोई स्टोरी के जरिए उनकी पूरी इनर डिजायर्स को आप जो है ना वो असेस करते हो, साइकोनालिटिकल मैथड एसोसिएशन टेस्ट और ड्रीम एनालिसिस के जरिए, बाकी फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो थ्रू डिफरेंट मेडिकल टेस्ट के जरिए भी आप मेजर कर सकते हो। अदर टेस्ट कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में अदर जो इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पर्सनैलिटी के अलावा एटीट्यूड टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है। एटीट्यूड टेस्ट आपकी एबिलिटी को मेजर कर रहा है, अचीवमेंट टेस्ट आपकी स्किल को मेजर कर रहा होता है कितना आपने अचीव कर लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज ये भी आपकी स्किल्स को मेजर कर रहा होता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपकी ब्रेन के अफेक्टेड एरियाज की हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। वोकेशनल टेस्ट इज रिलेटेड टू वोकेशन या स्किल्स। एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट आप थ्रू ऑब्जर्वेशन भी बहुत सारी फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हो, बहुत सारी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो है वो एक्सपेरिमेंटल मैथड। एक्सपेरिमेंटल मैथड किसको बोलते हैं, द प्राइम मैथड ऑफ इंक्वायरी इन साइज इज द एक्सपेरिमेंट, द की फीचर्स आर कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल मैथड किसको कहते हैं कि इसमें आपने बहुत सारे वेरिएबल्स फॉर एग्जाम्पल जिस चीज़ को भी आप मेजर कर रहे हो, जिस बिहेवियर को भी आप मेजर कर रहे हो वो आपका वेरिएबल है, जिस भी एट्रीब्यूट या ट्रेड्स को आप मेजर कर रहे हो वो वेरिएबल है। आपने बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी करना है तो एक्सपेरिमेंट अगर उस पर अप्लाई करना तो वो लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया होगा। एन एक्सपेरिमेंट इज एन इन्वेस्टिगेशन विच हाइपोथेसिस इज साइंटिफिकली टेस्टेड। जो हाइपोथेसिस आपने बनाया है, हाइपोथेसिस मतलब आपने टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई है, आप उसको टेस्ट कर रहे हो। अब एक्सपेरिमेंट में आपके दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल का या एक बिहेवियर का आप दूसरे बिहेवियर पे जो असर देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, मैंने पिछली बार भी एक एग्जांपल बताई थी कि वो बच्चे जिनमें एग्जाम एंगजाइटी ज़्यादा होती है उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है या बेटर होती है। अब एग्जाम एंगजाइटी जो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप उसको चेंज कर सकते हो, जितनी कम या ज़्यादा एग्जाम एंगजाइटी होगी उसका क्या असर पड़ रहा है परफॉर्मेंस पे, वो जो परफॉर्मेंस है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप इफेक्ट देखना चाह रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो जो इफेक्ट है परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कॉज है कि क्यों हो रहा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें एक्सट्रीनिशियस वेरिएबल भी होते हैं, एक्सट्रीनियस वेरिएबल भी होते हैं, लेकिन
इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बहुत सारे इसको कंट्रोल किए जाते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट वेरिएबल कौन से होते हैं, ये वो वेरिएबल होते हैं जिनको आप स्टडी नहीं करना चाह रहे होते हैं, ये अपने आप की स्टडी में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को एग्जाम एंगजाइटी नहीं होती, लेकिन जिस कंडीशन वो एग्जाम दे रहे होते हैं अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सर दर्द हो रहा है या बहुत नॉइजी इन्वायरमेंट दिया जा रहा है और परफॉर्मेंस वर्स्ट हो जाती है, तो क्या एग्जाम एंगजाइटी तो ना हुआ जिसने परफॉर्मेंस को वर्स्ट किया, बल्कि वो कौन से वो एक्सट्रीनिशियस या एक्सट्रीनियस वेरिएबल है जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस वर्स्ट हो रही है। लेकिन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हम इन जो वेरिएबल्स इनको कंट्रोल में रखते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट दे जहाँ पर शोर ना हो, प्रॉपर जो है वो वेंटिलेशन हो और फिजिकली भी बंदा जो है वो फिट हो। फिर हम देखना चाह रहे होते हैं कि एग्जाम एंगजाइटी कैसी है और परफॉर्मेंस कैसी है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एन एडवांटेज इज दैट एक्सपेरिमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव। एक्सपेरिमेंट जो थे वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। द व्यू एंड ओपिनियंस ऑफ द रिसर्चर शुड नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। इसमें जो रिसर्चर जो होता है, जो रिसर्च कर रहा होता है, उसको ओपिनियन एंड व्यू मैटर नहीं करता। ये टोटली डिपेंड होता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये एक वैलिड जो है ना वो मैथड है टेस्टिंग का। हाइपोथेसिस जो है वो टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। बहुत स्पेसिफिक होते हैं, टेस्टेबल प्रिडिक्शन होते हैं अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन इन अ स्टडी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी हाइपोथेसिस होते क्या। आप मेजर करना चाह रहे हो, अब मैं एग्जाम एंगजाइटी को साइड पे करके मैं कुछ और स्टेटमेंट बना देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मेजर करना चाह रहे हो कि वो लोग जो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं बहुत, तो उनमें आगे जाके जो है वो डिप्रेशन हो जाते हैं, जिनके स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं वो बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। अब आपने ये, अब आप इसको एक स्टेटमेंट दोगे ना कि जो है ना वो हाई स्ट्रेस जो है वो कैसे रिलेट करे बीपी के साथ। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा बीपी होगा, जितना कम स्ट्रेस होगा तो आपके स्ट्रेस रिलेटेड विद हायर ब्लड प्रेशर। तो ये जो आपने स्टेटमेंट बनाई कि स्ट्रेस इज रिलेटेड विद हायर ब्लड प्रेशर, तो ये आपका हाइपोथेसिस है। अब इसको टेंटेटिव स्टेटमेंट आप कैसे बोल रहे हो कि आपने खुद से बनाई और आप जब तक आप इसको, ये आप एक एज्यूम है, आपने सिर्फ अभी इस पर अभी अपने इस पर एक्सपेरिमेंट अप्लाई नहीं किया, अभी आपने कुछ टेस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने सिर्फ एज्यूम किया कि मैं सिर्फ मेरी स्टडी का जो जिसको मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं उनमें बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो आपने एक लिंक बना दिया, आपने एज्यूम कर लिया। अब आप इस एज्यूम स्टेटमेंट को लेकर चलते हो और अपनी रिसर्च जो है कैरी आउट करते हो। तो ये है हाइपोथेसिस। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस भी होते हैं, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस भी होते हैं, नल, अल्टरनेटिव, लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिक। सिंपल हाइपोथेसिस तो वही कि जिसमें आप रिलेशनशिप बता रहे हो कि टू वेरिएबल्स के क्या के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्ट्रेस इज पॉजिटिवली लिंक विद हायर ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस इज नेगेटिवली लिंक विद हायर ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, ये आपने एक सिंपल सा हाइपोथेसिस बना दिया। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है, इन दैट इन विच रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल एग्जिस्ट, इट रिकमेंडेड यू शुड रीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एग्जाम्पल बताई दी, स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स लीड्स टू कैंसर, टेंशन, चेस्ट इन्फेक्शन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है कि अपने बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए उनका आपस में लिंक बना दिया, तो वो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बन जाएगा। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस कैसे होते हैं, जो फील्ड में अप्लाई कर रहे होते हैं, एम्पिरिकल होते तो फैक्चुअल होते हैं, वर्किंग फील्ड से रिलेटेड होते हैं, तो वो एम्पिरिकल हाइपोथेसिस होते हैं। जो फैक्ट है, नल हाइपोथेसिस के, नल हाइपोथेसिस को है जिसमें आपने दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता, आप कह रहे होते कि स्ट्रेस का कोई लिंक नहीं है ब्लड प्रेशर के साथ, तो वो नल हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर आप कहते हो कि स्ट्रेस का लिंक है हाई ब्लड प्रेशर के साथ, तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। लॉजिकल हाइपोथेसिस कौन से होते हैं, लॉजिकल हाइपोथेसिस जिसमें आप एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट की बात करते हो, डिफरेंस की बात करते हो, रेजिडुअल की बात करते हो। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो स्टैटिस्टिकली जिनको हम वेरीफाइड करते हैं, ट्रू कैलकुलेशन, ट्रू
थ्रू जो है ना वो हम मीन मीडियन मोड निकाल के हम उसको स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करने के बाद जब हम उसको वेरीफाई करते हैं तो वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेस कैसे मेजर करे हो, आप हाई ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करे हो, आपके क्वेश्चन ईयर जो कि क्वेश्चन ईयर को आप कैसे उसमें आप स्कोरिंग करते हो, आप बहुत सारे स्टैट्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, तो वो है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो हम स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करने के बाद वेरीफाई करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इन केस में नहीं समझ आती तो मैंने नीचे लिंक भी प्रोवाइड किए हैं फॉर फर्दर स्टडी। एक्सपेरिमेंटल वर्सेस कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल वर्सेस कंट्रोल ग्रुप क्या है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप इज दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंट्रोल और हेल्ड कॉन्स्टेंट इन द कंट्रोल ग्रुप। अब दो ग्रुप्स आप लेते हो, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हो और एक कंट्रोल ग्रुप लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लासरूम में अगर 50 की स्ट्रेंथ है, आप 25-25 में उसको डिवाइड कर लेते हो। अब 25-25 में आप दोनों में जो है ना वो देखना चाह रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल दोनों में आप देखना चाह रहे हो कि दोनों जो है ना वो एग्जाम में पर कैसे परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है, कैसे परफॉर्म करेंगे। अब आप क्या करते हो कि जो एक 25 का ग्रुप है आप उसको ना बहुत ज़्यादा शोर वाले बहुत ज़्यादा नॉइजी कमरे में रख लेते हो उन स्टूडेंट्स, और एक जो है बच्चे कुछ जो कंट्रोल ग्रुप वाले हैं जो 25 वाले जो लड़के हैं आप उनको एक बहुत जो है ना सुकून वाले रूम में रखते हो। और आपकी स्टडी का ये मकसद है कि अगर बच्चों को पहले टेंशन दी जाए या पहले स्ट्रेसफुल कंडीशन दी जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होता है परफॉर्मेंस पर, आपने ये हाइपोथेसिस बना दिया। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो कौन सा होगा जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट अप्लाई किए जिनको वाकई में आपने एक बहुत शोर वाले एक बहुत नॉइज रूम में रखा हुआ है, और कंट्रोल वाले वो होते हैं जो उन पे आप अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई नहीं करते। फिर आप अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा होता है कि आप कंपेरिजन कर लेते हो ना कि अगर एक में हम इंडिपेंडेंट ग्रुप या इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोवाइड करें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है और दूसरे को नहीं दे रहे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो आप इसको कंपैरिजन या कोरिलेट भी कर लेते हो। अच्छा, लेबोरेटरी एंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वही हैं जो लैब में जो है ना वो कंडक्ट किए जाते हैं, तो वो वाले एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स भी कहलाते हैं, उनको सिर्फ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उनकी वैलिडिटी बहुत अच्छी होती है। इट इज़ ईजियर टू रेप्लीकेट, उनको दोबारा कॉपी भी किया जाता है क्योंकि सेम ही कंडीशन होती हैं और उनमें एक्सट्रीमिशियस या एक्सट्रीमियस वेरिएबल का रोल भी बहुत कम होता है। आप कंट्रोल कर लेते हो ना बहुत सारे वेरिएबल्स को, लाइट आप अच्छी रखते हो, बहुत एक्सटर्नल कंडीशनिंग आप अच्छी दे रहे हो, इंटरनली वो सेटिस्फाइड हैं, तो ये इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि आप आर्टिफिशियली एक सेटिंग कर रहे हो ना, अगर आप इसको रियल लाइफ में कंडक्ट करो उसी टेस्ट को तो आप देखोगे कि वाकई में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट टू लिमिटेशन है डिमांड करेक्टरिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स में बाई द रिजल्ट एंड बिकम कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल खुद भी चेंज कर लेते हैं कंडीशन को या खुद वो बाइस ने शो कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो आपकी स्टडी के जो स्कोर्स उसमें इफेक्ट आ रहा होता है। नेक्स्ट है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कौन से होते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स वो होते हैं विच आर डन इन द एवरीडे रियल लाइफ एनवायरमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। Experimental still manipulate the independent variable, but in real life setting, so can't really control extraneous variable. अब यहाँ पे वो extraneous variable, extraneous variable को control नहीं कर सकते। Field experiments वो होते हैं तो simply आप जो है through observation जो है ना वो observe कर रहे हो, आप देखना चाह रहे हो, अपने इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप नेचुरल सेटिंग में जो है ना अपने वेरिएबल्स को स्टडी करते हो, तो वो है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि अगर ये नेचर में या नेचुरल सेटिंग्स में हो तो ये रियल लाइफ जो है ना वो इंसिडेंट्स को जो वो रिफ्लेक्ट करेंगे। दिस लेस लाइकलीहुड ऑफ डिमांड करेक्टरिस्टिक, आपको जो करेक्टरिस्टिक चाहिए जिस एक्सपेरिमेंट में जो डिमांड थी वो जो डिमांड थी वो यहाँ पे नहीं चाहिए आप, क्योंकि आप सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन लिमिटेशन के कभी कभी स्टडी जो है ना वो एक्सट्रीनिशियस वेरिएबल की वजह से भी इफेक्ट कर जाती है। अब एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी पीछे वाली, जैसे कि आप देखना चाह रहे थे कि जिन लोगों में एग्जाम एंग्जाइटी ज़्यादा होती है आप उन पे देखना चाह रहे हो कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है, आपने कुछ लोगों को हॉल में दे दिया और कुछ लोगों को जो है ना वो लेबॉरेट्री में टेस्ट दे दिया।
अब आप खुद देख रहे हो कि जो एक्सपेरिमेंट लेबॉरेटरी में हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने खुद कंट्रोल की हुई हैं, आपने उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, शोर नहीं है, गर्मी नहीं है। लेकिन अगर आप उनको हॉल में देखो तो बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, शोर होता है। तो इफेक्ट ये पड़ रहा है कि एक तरफ अपने बिल्कुल फील्ड नेचुरल इन्वायरमेंट दी हुई और एक तरफ अपने आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दी, तो बहुत सारे जो इनकी लिमिटेशंस भी हैं और बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं फील्ड के भी और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स लेके कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के। नेक्स्ट है, व्हाट इज वेरिएबल। अ वेरिएबल इन अलजेब्रा रियली जस्ट मीन्स आर थिंग एन अननोन वैल्यू, कोई एट्रीब्यूट, कोई भी ट्रेट, ठीक है, वो जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो, कोई भी बिहेवियर जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो वो क्या है, वेरिएबल है। अब आपकी स्टडी में वेरिएबल कौन कौन से हैं, जैसे आप देखना चाह रहे हो एग्जाम एंगजाइटी तो वो वेरिएबल है, आप देखना चाह रहे हो परफॉर्मेंस तो वेरिएबल है, आप देखना चाह रहे हो हार्ट बीट तो वो वेरिएबल है, आप देखना चाह रहे हो डिप्रेशन तो वेरिएबल है। अब कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल कौन से हैं, एक तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स दैट कैन बी पुट इनटू अ कैटेगरी, जिनको अपनी कैटेगरीज में लिखा होता है। टूथपेस्ट ब्रांड्स के बहुत सारे ब्रांड है, कोलगेट है, एक्वा फ्रेश है, वो अपने कैटेगरीज में रखा होता है वेरिएबल्स को, वो होते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, उनकी मोर देन वन कैटेगरी होती है। कंफाउंडिंग वेरिएबल जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं जिसको आप अपनी स्टडी में नहीं मैयर करना चाह रहे होते लेकिन उसका आपकी स्टडी में बहुत इफेक्ट होते हैं, मैंने जैसे आपको एक्सनीशियस वेरिएबल, एक्सट्रीनियस वेरिएबल होते हैं। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, अ वेरिएबल विद इनफिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज लाइक टाइम और वेट, जिनके बहुत सारी टाइम बहुत सारी वैल्यूज हैं और वेट की भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, नंबर्स की जिनके इनफिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू होते हैं। कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जिसमें जिसको आपने अपने एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल किया होता है। फॉर एग्जाम्पल इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन वेदर लाइट मेक्स प्लांट ग्रो फास्टर, यू वुड हैव टू कंट्रोल फॉर सॉइल क्वालिटी इन वाटर, आप इसमें क्या है कि कितना पानी देना है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, आप इसको कंट्रोल करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो आउटकम होता है जो इन्फ्लुएंस बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर्स ऑफ कार इन अ पार्किंग लॉट, अब वो डिस्क्रीट है ना कि यहाँ पे एक ही गाड़ी खड़ी हो सकती है, यहाँ पे पाँच गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो है जिसको आप मैनिपुलेट करते हो और उसको आप एक्स एक्सिस के ग्राफ में रखते हो और वाई एक्सिस पे आप हमेशा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हो। इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज करते हो और उसका असर देखते होते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब मेजरमेंट वेरिएबल वो जो अमाउंट में होगी, जो नंबर में होगी, उसको आप मेजर कर सकते हो। नॉमिनल वेरिएबल कैसे होगी, जैसे नेमिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बॉयज गर्ल्स नेमिंग कर रहे हो, तो जो नेमिंग वेरिएबल्स होते हैं वो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं। अब आप कहोगे वेट रुपीज पर नहीं, नेमिंग आप उसको नेम्स में डिवाइड कर रहे हो तो वो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं। ऑर्डिनल वेरिएबल जिसमें आप कैटेगरीज में उसको डिफाइन कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल लो लेवल ऑफ इनकम, मिडिल लेवल ऑफ इनकम, हायर लेवल ऑफ इनकम, आप एक ऑर्डर में उसको कैटेगरीज में डिफाइन कर रहे होते हो। क्वालिटेटिव वो होते हैं जिसमें जो है ना सिर्फ को मेयर करते हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, आप वो काउंटेबल नहीं होते, वो वेरिएबल्स काउंटेड नहीं होते। जस्ट आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखो लोग की फीलिंग्स, तो फीलिंग जो है वो सिर्फ क्वालिटी है या इमोशंस क्वालिटी है, लेकिन अगर वेट हाइट ले लो तो वो क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स है, नॉट क्वालिटेटिव। मैंने अभी आपको बता दिया रैंडम वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद रैंडम फोर्सेस एंड गिवन नंबर्स टू आउटकम्स ऑफ रैंडम इवेंट्स, आप रैंडमली वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हो। रैंक वेरिएबल में आपने उसकी रैंकिंग कर दी, फर्स्ट वेरिएबल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, एक्सेट्रा। रेशियो वेरिएबल इज सिमिलर टू इंटरवल वेरिएबल्स लेकिन बट हैज अ मीनिंगफुल जीरो, कि यहाँ पे जीरो का भी कोई मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल जीरो जब टेम्परेचर अगर जीरो है तो उसका ये मतलब नहीं कि कुछ टेम्परेचर नहीं है, मतलब जीरो का भी तो कोई मतलब है ना कि टेम्परेचर जीरो का मतलब कि बहुत लो है, लेकिन ये मतलब नहीं कि कोई मतलब नहीं, यानी कि रेशो वेरिएबल्स वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर में जीरो का भी मतलब होता है जो टेम्परेचर एक वेरिएबल है उसको रेशो वेरिएबल बोला जाता है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, मेल फीमेल बॉय गर्ल ऐसे। मीडिएटिंग वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स दैट एक्सप्लेन हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स हैपन, दो एक्सप्लेन करें कि दरमियान में
क्या रिलेशनशिप है तो वो मीडिएटिंग है. फॉर एग्जाम्पल इट कुड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टर एंड क्राइटेरिया. प्रिडिक्टर एंड क्राइटेरिया के दिन में ये जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, ये एक्सप्लेन कर रहा होता है रिलेशनशिप को. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो कि अच्छी एजुकेशन है और हाई इनकम है, ठीक है, आपने रिलेट करिए कि जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी उतनी हाई इनकम होगी. लेकिन यहाँ पे जो मीडिएटिंग वेरिएबल है वो ये भी हो सकता है कि इकोनॉमिकली जो है वो जो कितना उसको फ़ायदा क्या होगा. मॉडरेटिंग वेरिएबल वो होता है जो दो रिलेशन दो चीज़ों के वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को या तो स्ट्रेंथन कर रहा है या फिर वीकेंड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कह रहे हो कि साइकोथेरेपी में रिड्यूस स्ट्रेस, लेकिन क्या पता साइको लेवल फॉर द वीमेंस मोर देन वीमेंस ऑफ सेक्स मॉडरेट द इफेक्ट बिटवीन साइकोथेरेपी एंड स्ट्रेस लेवल. में एक और एग्जाम्पल अच्छे से देना चाहूँगी यहाँ पे कि आप ये भी देख सकते हो कि जो आप ये देख रहे होंगे कि इम्पैक्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट हो रहा होता है डेथ एंजाइटी पे. जितना क्या ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनके डेथ एंजाइटी पे क्या है. अब मॉडरेटिंग वेरिएबल आपने रिलीजियस बिलीफ दे लिया वो इन दोनों के रिलेशनशिप को तो स्ट्रॉन्ग करेगा. वैसे तो स्ट्रॉन्ग ये कि जितना ज़्यादा आपको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही होती है ज़्यादा आपको डेथ एंजाइटी हो रही होती है. लेकिन क्या पता जिन लोगों का रिलीजियस बिलीफ होगा भी कि ज़्यादा कि सबने मर जाने एक दिन, तो वो इन दोनों के रिलेशनशिप को वीक कर रहा है. तो वो मॉडरेटिंग वेरिएबल है. एक्सपेनिशियस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको अपने स्टडी में नहीं मैयर करना चाह रहे होते लेकिन वो तब भी एग्जिस्ट करते हैं और आपकी स्कोरिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज सैंपल एंड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन एज अ होल को कहा जाता है, लेकिन जो सैंपल होता है वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है. अब पॉपुलेशन सैंपल का क्या कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बहुत सारी पॉपुलेशन है और आप स्टडी करना चाह रहे हो इम्पैक्ट ऑफ जो है ना वो वेदर का और मूड के देखना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं जो है वो कराची के लोगों पर भी करूँ इस्लामाबाद के लोगों पर भी करूँ. अब बहुत सारी पॉपुलेशन है कराची की बहुत सारी इस्लामाबाद की भी, तो आप सबको तो नहीं ले सकते. आप क्या करोगे कराची के एक इलाके से कुछ लोग उठा लोगे कराची के दूसरे इलाके से कुछ इस्लामाबाद के कुछ लोगों पर अप्लाई कर लोगे, तो जो जो आपने रेंडमली सेलेक्ट किए ना वो आपका सैंपल होता है. सैंपलिंग में दो दो टाइप्स किया जाता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो होता है जिसमें हर बंदे के पास इक्वल चांस होता है फॉर द सिलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपने सीआर सेलेक्ट करनी है क्लास रूम में, तो क्लास में हर बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है ना कि वो सीआर बन जाए, तो वो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. लेकिन आप अगर ये कहते हो कि जिन बच्चों के जो है ना वो मार्क्स जो है ना वो 90% आए हैं, तो 90% वाले के चार बच्चे हैं, तो आपने सेलेक्ट कर दिया आपने डिमेटाइज कर दिया, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है कि हर बच्चे के पास सीआर बनने का चांस नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है कि एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है कि वो इक्वल चांस नहीं होते सेलेक्शन के लिए. रैंडम सैम्पलिंग इट अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसमें भी आप रैंडमली अपने सैम्पल जो है ना वो सेलेक्ट कर रहे होते हो. मैंने जैसे कोई नंबर आपको बता दी है और इसमें रैंडमली सैम्पल तो क्या मतलब है कि हर इंडिविजुअल के पास चांस होता है. इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्या कि फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करना चाह रहे हो तो जो है ना वो एक यही लोगों पे वेदर का मूड पे इफेक्ट देखना चाह रहे हो और अपने कराची और इस्लामाबाद के लोगों को लिया, तो सारे लोगों के पास इक्वल चांसेस है कि वो क्वेश्चन में फेल करें. लेकिन आप क्योंकि एक तो आपके पास जो है ना वो इतना टाइम नहीं होता अपनी स्टडी के लिए और दूसरा आप इतनी पॉपुलेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये एक तो फैक्ट है. तो इस वजह से आप क्या करते हो आप कुछ जो है ना वो इस्लामाबाद के I-9 के सेक्टर से कुछ लोग ले लेते हो, D-10 के लोगों में कुछ अप्लाई कर लेते हो, आप रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मैंने I-8 के लोगों को भी बस करना है और G-10 के लोगों पे करना है F-10 के लोग ना हो, तो वो फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग आ जाएगा.
सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हर दो बंदे के बाद वाला बंदा मैं सेलेक्ट करूंगी, फॉर एग्जांपल आपने पहले सेकंड ऑर्डर पे जो बंदा है उसको सेलेक्ट किया, फिर जो फोर्थ पे है उसको सेलेक्ट किया, फिर जो सिक्स पे है आप उसको सेलेक्ट किया, सिस्टमेटिकली आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो इक्वल प्रोबेबिलिटी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफाइड में आप स्ट्रेटा बना लेते हो, आप स्ट्रेटा बना लेते हो कि आप कह लेते हो कि मैं फोर्थ क्लास का ले रही हूँ लेकिन फोर्थ क्लास के सारे बच्चों के पास इक्वल चांसेस है, आप थ्री क्लास के बच्चे इनके आप स्ट्रेटा बना लेते हो तो वो होते हैं स्ट्रेटिफाइड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग अक्कर वन रैंडम सैम्पलिंग इज ड्रॉन फ्रॉम अ सर्टन एग्रीगेशनल जियोग्राफिकल ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्लस्टर में आप क्लस्टर ले रहे हो तो क्लस्टर ऑफ ग्रुप ले रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आप मैप में से फाइंड आउट करते कि यहाँ से इस एरिया जो मैप का ये वाला एरिया है मैं यहाँ से क्लस्टर ले लेती हूँ, लोगों पे स्टडी कर लेती हूँ, मैं वहाँ से लोगों पे कुछ स्टडी करती हूँ, आप क्लस्टर में अपनी स्टडी कर रहे हो तो क्लस्टर सैम्पलिंग है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो है जिसमें इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन ना हो। अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग या कन्वीनियंट सैम्पलिंग वो है कि आपको कन्वीनियंट क्या लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो आप अभी आप जो आपको लग रहा है कि मैं जो है वो सिक्स क्लास की बच्चे आराम से ले लेती हूँ तो आप सिर्फ सिक्स क्लास की बच्चे ले लोगे, आप सेवन्थ एट्थ वालों को कंसीडर नहीं करोगे तो अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग जैसे हमारे यहाँ होता है कि इस्लामाबाद की दो सीटें हैं कोटा में बना देते हो कि नहीं कोटा में, लेकिन आप उसको सिलेक्टेड ही कर लेते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि मैंने पिशावर से सिर्फ दो बंदों को लेने हैं, कराची से सिर्फ तीन बंदों को लेना है। नेक्स्ट वन है बाइसेस। बाइसेस किसको कहते हैं? बाइसेस इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक एरर दैट कैन अफेक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्टॉर्ट द मेजरमेंट प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक एरर है, अ बाइस्ड स्टडी लूजेस वैलिडिटी, क्योंकि बाइस है, बाइस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टडी की है और जो एग्जामिनर है वो अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से वो स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स ना दे सके तो वो बाइसनेस है, या फिर क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं था, बच्चे को आता सब कुछ था, इंस्ट्रूमेंट की गलती थी, बच्चे की तो गलती नहीं थी, तो वो भी बाइस है। और बाइस स्टडीज कभी भी वैलिड नहीं होती क्योंकि वो चीज़ मैयर ही नहीं करना चाह रही होती। इसमें सबसे पहले सिलेक्शन बाइस आ जाएगी, सिलेक्शन बाइसनेस आ जाएगी। इसमें क्या सिलेक्शन बाइस पे क्या कि जो जिस ग्रुप पे आप स्टडी कर रहे हो एक्चुअली वो ग्रुप ठीक है ही नहीं, अब वो सैंपल ठीक ही नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो वो फिर सिलेक्शन बाइस आ जाएगी। इंफॉर्मेशन और मिस क्लासिफिकेशन बाइस क्या है? एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ डिजीज। क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो ठीक नहीं है, इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ठीक नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन बाइस आ जाएगी। कन्फाउंडिंग बाइसनेस क्या है? किसी थर्ड फैक्टर की वजह से आपकी स्टडी गलत हो गई है, आपका रिजल्ट ठीक नहीं हुआ, तो वो कन्फाउंडिंग बाइसनेस है। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएशन बिटवीन चाइल्ड बर्थ रैंक एंड डाउन सिंड्रोम, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल मदर जो है वो मदर ही जो है वो कन्फाउंडर है। आप कह रहे हो कि चाइल्ड का बर्थ रैंक एक छठा बच्चा है तो वो डाउन सिंड्रोम का होगा, क्या पता मदर की एज जो है उसकी वजह से बच्चे को ये मसला हो रहा है, तो कन्फाउंडिंग बाइस है। नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजीज। बहुत सारे रिसर्च मेथड यूज हो रहे होते हैं साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, उसको सैंपल करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। सबसे पहले है क्वालिटेटिव साइकोलॉजिकल रिसर्च जो मेथड है जिसमें आप क्वालिटी को जो मेजर कर रहे होते हैं, वो क्वालिटेटिव साइकोलॉजिकल रिसर्च में आप क्वांटिटी को There are three main types of psychological research. Correlational research is वो होती है जिसमें आप दो variables के दरमियान में relationship देख रहे होते हो। Descriptive research is वो होती है जिसमें आप detail बता रहे होते हो। And experimental research is वो होती है जो आप laboratory में कर रहे होते हो, cause and effect find out कर रहे होते हो। बहुत सारे research designs और भी हैं collection methods के लिए। Archival research वो होती है जिसमें आप जो अर्काइवल रिकॉर्ड्स के जरिए, पुराने रिकॉर्ड्स के जरिए फाइंड आउट करो तो इन्फॉर्मेशन। केस स्टडी होती है कि आप इन डेप्थ एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को ले लेते हो, उसके उस पर स्टडी करते हो।
एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लेबॉरेटरी में, फील्ड एक्सपेरिमेंट है, इंटरव्यूज मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजीज का, मेटा एनालिसिस किसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज के जो रिजल्ट्स हो उनको आप कंबाइन कर लेते हो, उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो मेटा एनालिसिस होता है। न्यू इमेजिनिंग फॉर एग्जाम्पल ब्रेन का कौन कौन से एरिया फैक्टर, ये भी साइकोलॉजिकल मैथड है। ऑब्जर्वेशन स्टडीज भी साइकोलॉजिकल मैथड है। किसा एक्सपेरिमेंट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, लेकिन इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होती। सर्वे जिसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री जिसमें आप लोगों की इंटरेस्ट के बारे में जानते हो, ये भी एक साइकोलॉजिकल मैथड है। बिहेवियर को पढ़े होते हो, वैल्यूज इंटरेस्ट पर्सनैलिटी टाइप्स को मेजर कर रहे होते हो। ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ये है साइकोलॉजिकल मेथोडोलॉजीज।